Hello my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. And friends, I have created a playlist regarding history questions, geography questions, economics questions, and the political science question. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive exam and specially for UPS and UPPCS. And this e क्वेश्चन पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद जियोग्राफी थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओशियानिक क्रस्ट इज अ ग्रेनाइट इन नेचर मतलब जो समुद्रों की कस्ट बोलते से दो कस्ट होती हैं कस्ट बोलते हैं जो अर्थ की ऊपरली लेयर को या जो कॉन्टिनेंट की हो सकती है या ओशियन की हो सकती है कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप की हो सकती है या समुन्द्र तल की हो सकती है समुद्र के ऊपर की रह सकती है एंड द सेकेंड सेंटें स्टेटमेंट इज द कोर इज डेंसर देन देंटल कोर डेंसर से मेंटल मेंटल से डेंस होती है गहनी होती है देखो अर्थ के तीन पार्ट होते हैं कस्ट जो ऊपर की स्तर रहती है जिसपे हम चलते हैं घूमते फिरते हैं इसकी कुछ डेप्थ होती है उसके बाद मेंटल आता है जहाँ पे लावा रहता है मोल्टल फॉर्म में और उसके बाद कोर आता है जो कि उससे भी ज़्यादा डेंस रहती है तो सबसे ज़्यादा डेंस कोर रहती है फिर मेंटल रहती है और फिर उससे कम आपका क्रस्ट रहता है तो इसमें पूछा गया कि द कोर इज डेंसर देन मेंटल वेयर इज मेंटल इज डेंसर देन क्रस्ट यही डेफिनेशन यही बात पूछी गई है एंड द थर्ड वन इज द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द कोर इज कॉल्ड द एस्थनोसफेयर क्या जो अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द कोर के अपर मोस्ट सरफेस को अस्थनोसफेयर कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो और अपना आंसर आप साथ के साथ मार्क करते रहिए जिससे कि आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखोगे और फ्रेंड्स प्लीज़ आप शेयर करो इन वीडियो को जो इनको इनकी ज़रूरत है क्योंकि आज के टाइम में क्या है पेंडेमिक सिचुएशन है कोई ऑफलाइन क्लास ले नहीं पा रहा है और वैसे भी ऑफलाइन क्लास यूपीएससी के लिए बहुत कॉस्टली है या ऑनलाइन क्लास भी तो ये आपको पेड कंटेंट का सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड हो रहा है तो प्लीज़ आप खुद देखो और दूसरों को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन पे आते हैं कि ए फर्स्ट एंड सेकेंड बी सेकेंड ओनली सी सेकेंड एंड थर्ड डी फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों क्यों है क्योंकि जो आपने सुना होगा सियाल और साइमा बोलते हैं हम उसको सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम सियाल ये होता है कॉन्टिनेंट क्रस्ट मतलब जो हम महाद्वीप पे रहते हैं एशिया महाद्वीप वगैरह बोलते हैं यूरोप हम तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो इसको कॉन्टिनेंट क्रस्ट मतलब जो महाद्वीप की भूमि है उसको बोल उस, उसमें क्या रहता है सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम रहता है उसकी क्रस्ट में तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हम सोल ओढ़ते हैं सर्दियों में तो हम कॉन्टिनेंट पे रहते हैं तो हम सोल ओढ़ते हैं तो आप याद रहेगा सियाल जो है क्या है कॉन्टिनेंट क्रस्ट में है और अगर हम बात करें ओशियनिक क्रस्ट की तो ओशियनिक क्रस्ट में साइमा रहता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम तो आपको याद रहेगा कि ओशियन क्रस्ट में तो हम सोल ओढ़ते हैं तो उसे ट्रिक मैंने बनाई है आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं जैसे सियाल कॉन्टिनेंट क्रस्ट और साइमा ओशियनिक क्रस्ट तो वो और दूसरा क्या है जो ओशियनिक कस्ट होती है वो बेसाल्टिक होती है बेसाल्ट इन नेचर और जो हमारी जो पर्थी पर रहते है, वो रहती है ग्रेनाइट रहती है कॉन्टिनेंटल कस्ट इज ग्रेनाइट इन नेचर ऑल्सो द थिकनेस ऑफ द कास्ट वेर मतलब ओशियनिक कास्ट आपको याद रखना है कि पानी की जो कस्ट है ओशियनिक कस्ट ज्यादा रहती है हमारी कस्ट की मोटाई कम रहती है एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एज वी गो इनसाइड फ्रॉम द कास्ट मतलब हम जैसे ही क्रस्ट से अंदर जाते हैं तो हमें मेंटल मिलेगा तो मेटीरियल डेंसर होता चला जाता है जैसे वहाँ मैगमा रहता है वो डेंसर हो जाएगा कोर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहती, रहती, रहती है और कोर में डेंसिटी क्या है थर्टीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये रहती है थर्टीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कोर में डेंसिटी रहती है और मेंटल में उससे कम थ्री पॉइंट फोर मतलब यहाँ पे तो तेरह ग्राम रहती है यहाँ थ्री पॉइंट फोर होगी ऊपर सबसे क्रस्ट टू पॉइंट सेवन रहती है इतनी डेंसिटी कम होती चली जाती है जैसे ही अंदर से ऊपर तक आते जाते हैं एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल एस्थिनोसफेयर वहाँ पे बोला गया था क्या आपका कोर का जो अपर मोस्ट पोर्शन को एस्थनोसफेयर बोलते हैं नहीं जो एस्थोनोसफेयर क्या होता है आपका मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन रहता है मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा मैग्मा एस्थनोसफेयर में रहता है मेंटल के अपर पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हिंदी में भी आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं थर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द टर्म एम आई सी आर ई एस टी रिसेंटली इन द न्यूज रिजेंट के न्यूज़ में था एम आई सी आर ईस टी का क्या मतलब होता है तो आप अपना आंसर मार्क करना फर्स्ट है क्या वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर द नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज इन इंडिया जो क्या वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है जो ट्रॉपिकल इंडिया में डिजीज रहती हैं बी है प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जैसे ही उसको तो हम मान लो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रमोट करते हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं एम आई सी ई आर ई एस टी और सी है क्रिएशन ऑफ द हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप इन इंडिया एंड डी है इंडिजेनियस डिफेंस इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया तो आप अपना आंसर माफ कीजिए और इसका आंसर सी है और फ्रेंड मैं हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि आपको रिविजन करने में ईजी रहेगा हाईलाइट करने से क्या आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी कि कौन सी चीज हाईलाइट कर रखी थी बट आपको इसको ऐसे ही लेना है जैसे आप एग्जाम में बैठे हो और उसके लिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो इसको बोलते हैं एआईएम को अटल इनोवेशन मिशन एआईएम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है एम आई सी आर एस टी का फुल फॉर्म रहता incubator. Incubator है इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर बोलते हैं जिसको अंडे सेने की मशीन को इनक्यूबेटर बोलते हैं तो इनक्यूबेटर मतलब जो नए मार्केट में स्टार्टअप आ रहे हैं कोई छोटे छोटे काम कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं जिनको तो उनकी आईसीआरएसटी फुल फॉर्म है इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज उनकी जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी इन्हांस enhance करो इन्हांसमेंट प्रोग्राम फॉर द रोबस्ट इको तो इकोनॉमी को रोबस्ट बनाना स्टॉक बनाना तो इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज ऑफ दी जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए यही इसका डेफिनेशन है और यही इसका काम है और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बी में दिया होता है उसके लिए हम फेम यूज करते हैं फेम स्कीम रहती है शायद कल मैंने पढ़ाया भी था आपको फेम फास्टर एडॉपशन ऑफ द मैनुफैक्चरिंग इक्विपमेंट किसके इलेक्ट्रिकल के लिए तो उसको फेम स्कीम बोलते हैं थर्टी थ्री क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू द ह्यूमिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर्द्रता के बारे में स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन सा करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स इंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर जो एयर की एबिलिटी है वाटर होल्ड करने की उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्या एंड द सेकंड वन इज द मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मान लो मास ऑफ वाटर वेपर अगर एक यूनिट एयर में मतलब वन बाई वन की लें अगर एयर में कितने वाटर वेपर रह गए क्या उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं एंड द थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी ऑफन मैंशन इन द वाटर रिपोर्ट्स इज परसेंट आंसर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब आज बोलते हैं कि न्यूज में वेदर फोरकास्ट में आपने देखा हुआ कि 85 फाइव परसेंट ह्यूमिडिटी है नाइन्टी परसेंट ह्यूमिडिटी है क्या उसको एब्सल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड एंड सेकेंड बी है फर्स्ट एंड थर्ड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर ए है ह्यूमिडिटी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ दैपर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर मतलब ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं जो कंसंट्रेशन वाटर वेपर में प्रेजेंट रहती है मतलब अगर आप देखोगे आदरता क्या है एयर में कितनी आदरता है कितनी नमी है उसको ही वाटर वेपर प्रेजेंट को ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं और ये टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी जो जितनी सूखी हवा होगी शुष्क हवा होगी खुश्क तो वो उतना ही पानी होल्ड करेगी तो इसकी कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट है सेकेंड है क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एब्सोल्यूट होता है पूरा ह्यूमिडिटी इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इट इज द मास ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड एक्सप्रेस इन द ग्राम्स पर क्यूब मीटर मतलब एब्सोल्यूट बोला गया कि पर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कितना हाँ वाटर वेपर रहते हैं उसको ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं थर्ड इनकरेक्ट किस लिए है द ह्यूमिडिटी ऑफन मैंसन इन द वेदर रिपोर्ट्स इज रिलेटिव टू ह्यूमिडिटी नॉट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं हम वेदर फोरकास्ट में जैसे बोलते हैं एट्टी फाइव परसेंट ह्यूमिडिटी है क्या एट्टी फाइव ये एग्जैक्ट आपकी एब्सोल्यूट नहीं रहती जितने वन वन बाई वन के साइज एयर में आपके कितने मान लो यहाँ पे वेपर हैं ये उसको बोला जाता है कि कितने तो वो होल्ड कर सकता मान लो सो होल्ड कर सकता है तो पिछासी ही है पच्चीस परसेंट उसमें वहाँ पे वाटर वेपर नहीं है यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम वेदर फोरकास्ट में देखते हैं यही इसमें बताया गया कि मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं अठावन परसेंट अगर बोलता है कोई एटमॉसफेयर में इतनी ह्यूमिडिटी है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ़ दी फॉलोइंग्स आर दम्पोनेट ऑफ दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश बाई द यूनाइट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका जारी करता है अब मान लो वन लाइनर क्वेश्चन में यह भी आ जाएगा कोई भी एग्जाम में क्लास सी में और ग्रुप बी में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बनाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि यूएन की एक, एक एजेंसी है जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है लाइफ लाइफें एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब बचपन में पता चल जाता है कि बच्चा पैदा हुआ तो या कितनी लाइफ जिएगा उस, उसको बोलते हैं क्या कि बच्चे का जन्म होने पे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वो वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक फैक्टर है क्या द सेकंड वन इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल है कोई आदमी अपने स्कूल में जाता है द थर्ड व इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट होता है जो बच्चा पाँच साल से नीचे होगा उनमें मोटेलिटी रेट कितनी ज़्यादा है या कम हो क्या उसको ही इसमें हुमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट करते हैं एंड द फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल मतलब कितने साल वो स्कूल में गया था तो क्या उसको काउंट करते हैं तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए हुमन इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ काउंट की जाती है ए है सेकेंड एंड थर्ड बी है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ और फ्रेंड्स ये हाईलाइट मैंने इसलिए कर रखा है कि आपको आंसर ना पता लगाने के लिए नहीं कर रखा मैंने कर रखा कि आप लंबे टाइम तक याद रखोगे अगर ये रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा दूसरा क्या है आप अपना क्वेश्चन बताते ही अटैम्प्ट करना आपको तभी आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं इसमें बोला गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड टू एम्फोसाइज दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटी शुड बी अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो वहाँ के आदमियों की पीपल की एम्फरसाइज द पीपल एंड देयर कैपेबिलिटीज आदमियों की कैपेबिलिटी देखनी चाहिए ना कि एक अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी चाहिए मतलब ये देखना चाहिए वहाँ के जो आदमी है उनकी कैपेबिलिटी क्या क्या कोई आदमी कर सकता है वही डेवलप्ड आदमी बोला जाएगा ना कि उसके पैसे होने की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी मेजर ऑफ द एवरेज अचीवमेंट इन द की डायमेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ बीइंग नॉलेजेबल एंड हैविंग ए डिस स्टैंड ऑफ लिविंग मतलब वो कितना नॉलेजबल है पर्सन और उसको डिसेंस लाइफ स्टैंडर्ड वो जी रहा है तो उसको बोलते हैं व्यूमेन डेवलपमेंट इंडेक्स अकेला सिर्फ इकोनॉमिक बेस पर हम उसको डेवलप आदमी नहीं कह सकते हैं तो उसके लिए इंडाइसिस बनाए हुए हैं तो हमारा इंडिया की वन थर्टी फर्स्ट पोजिशन है वन एट्टी नाइन कंट्रीज में यू एन में वन एट्टी नाइन कंट्री हैं वन नाइनटी थ्री रहते हैं तो 193 में से 189 पे पैरामीटर पे मापा गया तो इंडिया का वन प्लेस आता है जो 2020 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ओनली इंडिकेटर विच इज़ यूज मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ द लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में जान लो तो व्युमन डेवलपंडक्स में एक फैक्टर है ये एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग सेकेंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग आर द इंडिकेटर यूज इन मेजरिंग डायमेंशन ऑफ द बीग नॉलेजेबल नॉलेज उसको माना जाएगा एक्सपेक्टेड इयर ऑफ स्कूल जो कितने दिन स्कूल में गया है एंड द थर्ड वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नॉट इंडिकेटर यूज इन मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इसमें काउंट नहीं किया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंसीडर नाइनटीन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट जो एक्ट है 2019 का उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है आप स्टेटमेंट देखते हैं इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द लाइबिलिटी इन इंडिया लाइबिलिटी होता जो देनी है जो दे नहीं रहते हैं आप जिस चीज़ को आपको किसी को दे नहीं रहती है इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी इन इंडिया तो इंडिया में प्रोडक्ट लाइबिलिटी को प्रोवाइड करता है इट कवर्स ई कॉमर्स रिटेलर तो क्या जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट है ई कॉमर्स रिटेलर को Yes, मतलब काउंट करता है एंड द थर्ड वन इज इट हैज ए प्रोविजन फॉर दी अपील अगेंस्ट दी सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन इसमें क्या प्रोविजन है क्या अपील मीडिएशन करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं अपने दुकानदार के साथ है? आप कंज्यूमर हो तो विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबो आर करेक्ट उच ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड सी है थर्ड और डी है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इसका ए आंसर करेक्ट है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स फ्रॉम द दिन जुलाई 2020 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2020 में 20 जुलाई के 2020 में एग्जिस्टेंस में आया 2019 में पास हुआ था इम्प्लीमेंटेशन 2020 जुलाई में हुआ पिछले साल द एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर एनी हार्म कोज ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर सेलर और सर्विस प्रोवाइडर मतलब इसमें क्या है आपके प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसको फिक्स करता है ये जो मान लो कोई बेच रहा है सर्विस प्रोवाइडर है या आपका सॉपकीपर है मैन्यूफेक्ट है, लाइबिलिटी उस पर रहती है मतलब आपको अगर उसके कोई डिफेक्ट होने की वजह से कोई नुकसान होगा तो उसकी लाइबिलिटी आपके मैन्युफेक्चर पर रहेगी यही इसका कंज्यूमर एक्ट टू बोलता है जो इंप्लीमेंट हुआ जुलाई दो हजार बीस में द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दायर्स ई कॉमर्स रिटेलर्स प्लेटफॉर्म एडिशन टू देशन सेल मतलब ये क्या है बायर्स को ई e कॉमर्स रिटेलर को जो ई कॉमर्स साइट पर बेचते हैं एंड प्लेटफॉर्म एडिशन टू द ट्रेडिशनल सेलर पहले क्या था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई e सेलर जो हम ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं उनको नहीं काउंट किया जाता था अब ये उनके खिलाफ भी काम करता है इज एन थर्ड वन है इन करेक्ट कि देर एन एलोबरेट प्रोविजन फॉर द मीडिएशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन देर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन मतलब इसमें मीडिएशन का कोई प्रोविज़न नहीं है 2019 के एक्ट में आपको क्या एक बार फाइल करना कर दिया था उसके बारे में तो आपका कंज्यूमर कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कौन गिल्टी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्टी सिक्स क्वेश्चन अरेंज दी फॉलोइंग डिसी इन द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इंटीरियर लेयर के बारे में बताया गया है जो अर्थ की रहती हैं हमने पढ़ा भी है कि कस्ट मेंटल कोर उसके बारे में डेफिनेशन दी गई इंटीरियर लेयर के बारे में टॉप टू बॉटम तो लेयर जैसे रहती हैं इनमें ही जैसे कौन सी मैं कस्ट और जो आपका मेंटल के बीच में रहती है या मेंटल और इनर कोर या आउटर कोर के बीच में रहती है उन लेयर को क्या बोलते हैं फर्स्ट वन इज लेमन सेकेंड वन इज कॉन रेड थर्ड वन इज मोहरोविक और फोर्थ वन इज से करेक्ट आंसर बताना आपको आप अपना आंसर मार्क कीजिए इसका सेकंड थर्ड फोर्थ वन आंसर है एंड बी वन टू फोर थ्री एंड सी है थ्री टू वन फोर डी है थ्री फोर टू वन इसका करेक्ट आंसर ए है जो सिस्मिक कंटिन्यूस आर द रीजन इन द अर्थ इंटीरियर कल भी हमने पढ़ा था सिस्मिक वेव जो होती हैं कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको मीडियम रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए और इसे दो प्रकार की होती हैं इंटरनल होती हैं अंतरिकी रहती हैं और सरफेस वेव रहती हैं आपकी सरफेस वेव की क्या है स्पीड कम रहती है उनकी फ्रीक्वेंसी जो इंटरनल वेव रहती है उनकी ज़्यादा रहती है कल हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं तो वही बता गया कि उनको अगर रिएक्टर रियक्ट, स्केल पर देखते हैं हम जाँच करके कि पता चलता है कि भाई कौन सी कौन सी लेयर कहाँ पर कहाँ पर रहती है उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं तो इसमें यह बोला गया कि सिस्मिक कंटिन्यूटीज आर द रीजन्स इन द अर्थ इट इंटीरियर उसके अंदर रहती हैं जो कंटिन्यूटी रहती हैं डिसकंटिन्यूटी मतलब गैप है जो वेयर सिस्मिक वेव बिहेव डिफरेंटली वो डिफरेंट बिहेव करती हैं कंपेयर टू तो द सराउंडिंग एरिया एज द डिस्कटिन्यूटीज हैव मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन राट किसको बोलते हैं द डिस बिटवीन द कंटिनल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट आप इसको ऐसे याद रखते हो ट्रिक मैं बताता हूँ कॉन रेड कॉन रेड होगा आपके ईयर कान बोलते हैं जिसको कान रेड हो गए तो वो ओशियनिक कस्ट और आप मान लो कॉन्टीनेंटल कस्ट के बीच में फंस गए तो उसको कॉन रेड लेयर बोलते हैं आप इस ट्रिक से आपको याद रहेगा और दिस एक्ट एज ए ट्रांजिशन जोन मैंने बता ही दिया कि हम जहाँ सियाल एन साइमा साइमा रहता है आपका ये ओशियानिक कस्ट और सिलिका एंड एल्यूमिनियम रहता है आपका कॉन्टीनेंटल कस्ट तो उनके बीच में ट्रांजिशन जोन है मान लो आपके ले जो सिस्मिक वेव है आपकी कस्ट से जा रही है ओस कस्ट से जा रही है आपकी लैंड पे जा रही है तो उसको गैप को ही बोलते हैं कॉनराइड मोहरोविक है मोहर इट सेपरेट द कस्ट एंड मेंटल और कस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोविक बोलते हैं उसको ये कस्ट रह ये मेंटल है अंदर तो इसके बीच के लेयर को मोहरोविक बोलते हैं रेपती है जो अपर मेंटल एंड द फ्रोल लोअर मेंटल जो मेंटल में रहती है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रेपती किसी लेडीज़ का नाम है वो मेंटल है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि राप्ती सागर एक ट्रेन चलती है आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि वहाँ पे वो मेंटल है ट्रेन तो इसलिए आपको याद रहेगा लंबे टाइम के लिए कि रेपती है डिफरेंस है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में और इसलिए शार्प इंक्रीज हो जाता है जब भी विलोसिटी सिस्मिक की वहाँ से जाती है तो उनकी विलोसिटी ज़्यादा रह जाती है और लेमेन क्या है जो अर्थ के कोर में है तो कोर जो लेमेन बोलते हैं अगर हम उसको इंग्लिश के वर्ड से देखें तो लेमेन होता लोकल भाषा लेमेन लैंग्वेज तो ये क्या है कोर में रहती है जो कोर होगा बेसिक आदमी होगा वो लेमेन लैंग्वेज बोलेगा इसे आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ट्रिक मैं साथ साथ ऐसे बताता रहता हूँ क्योंकि ये जो मेरे माइंड में चलता रहता है कि हाँ हम इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए शायद आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ या वीडियो में आप सुनोगे तो एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद रहेगा कि रेफती है रेफती किसी लेडीज़ के नाम जैसे साउंड होता है या ट्रेन जो रेफती सागर चलती है तो उसको आप याद रखोगे कि मेंटल है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है तो इससे आपके इन ट्रिक है उसे आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी इसलिए मैं थोड़ी बहुत ट्रिक आपको बताते रहता हूँ थर्टी सेवन क्वेश्चन देखते हैं कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल के बारे में बात की है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इट हैज अ फायर एंड फॉरगेट मोड ऑफ ऑपरेशन एंड द थर्ड वन इज इट इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर बी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रोक्योर्ड फोर जनरेशन क्या है हमने इसराइल से अभी प्रोक्योर की है इसकी आपको क्या है फीचर्स याद रखने फोर्थ जनरेशन है एंटी टैंक स्पाइक लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल लॉन्ग रेंज है मतलब चार किलोमीटर तक जाती है लॉन्ग रेंज इसकी रेंज है तो एंटी टैंक जो टैंक रहता है तो गाइडिंग मिसाइल आप इसको फोरगेट ट्राई मतलब इसराइल से ली है तो इसका इसराइल जो एडवांस डिफेंस सिस्टम इसराइल है उससे ली गई है डी आर डी ओ ने नहीं बनाई है फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए ही इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए फायर करेक्ट इसलिए है कि ये फायर एंड फोगेट मोड मतलब एक बार आप टारगेट uh, फिड कर दो उसमें टारगेट पे जाके लगेगी एंड अपडेट मोड ऑफ़ यूजिंग फायर ऑप्टिक डाटा लिंक मतलब फायर ऑप्टिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है डाटा लिंक से जो फायर ऑप्टिक्स बोलते हैं जैसे कंप्यूटर में हम यूज करते हैं टारगेट डाल दो लॉन्ग रेंज है ये, चार किलोमीटर तक मार करती है थर्टी एथ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू फॉलोइंग स्टेटमेंट कल भी हमने कोरियोलिस्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक परपेंडिकुलर टू एयर डायरेक्शन से लगती है उसको ही कोरियल फोर्स बोलते हैं जिसके कारण ही हमारे यहाँ पे हमेशा एक फोर्स फील रहती है और कोरियल्स फोर्स हमारे इक्वेटर पे जीरो रहती है जैसे ही अपर अप जाते रहते हैं तो वो आती रहती है कोरियलिस फोर्स रहती है हमारे एनवायरमेंट में तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लेटीट्यूड लेटीट्यूड एंगल वो जैसे लेटिट्यूड तो क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं अर्थ पे जो मान लो आपने मान रखी हैं ये सपोज की भी लाइन लेटीट्यूड बोलते हैं इनको जो देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं जो अब अप, आपके बिल्कुल सीधी रहेंगी तो क्या है ये जो उसके एंगल के डायरेक्ट डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल रहती हैं क्या मैग्नीट्यूड है जो इनका एंड एक्स पैरल टू द आइसोबार एट द इक्वेटर क्या इक्वेटर के जो आइसोबार बोलते हैं कि जो दो जंगों का एक जैसा प्रेशर हो क्या उनके पैरल रहती हैं एंड द थर्ड वन इज जियोस्ट्रोफिक विंड आर दी पैरल टू दी आइसोबार ड्यू टू एबसेंस ऑफ दॉरियोलस फोर्स जियोस्ट्रोफिक विंड उसको बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी दरियोलिस फोर्स इसमें बोला कि जियोट्रोफिक्स विंड हैं पैरल टू दी आइसोबार ड्यू टू एबसेंस ऑफ दॉरियोलस फोर्स जो जियोट्रोस्फिक अपर लेयर में रहती हैं क्या वो पैरल रहती हैं जो आइसोबार के जिन दो जगहों का टेम्परेचर बराबर रहता है क्या वहां पे कोरियोलिस फोर्स अपसेंट रहती है इसलिए रहती हैं तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए फर्स्ट ओनली इसका करेक्ट आंसर है बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी है फर्स्ट एंड एंड सेकेंड थर्ड इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है स्टेटमेंट वन इसलिए करेक्ट है कि कोरियलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है एंगल ऑफ लैटिट्यूड के और हायर द कोरियलिस्ट फोर्स इफ द इट इज द जीरो एज द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स कल भी हमने डिस्कस किया था कि इक्वेटर पे कभी भी साइक्लोन नहीं बनते क्योंकि उस वहाँ पे कोरियलिस्ट फोर्स नहीं रहती है ये वी वन लाइनर क्वेश्चन आपका आ सकता है बहुत सारे एग्जामों में तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कोरियलिस्ट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर नॉट पैरल मतलब ये जो आइसोबार्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर एक्ट करती है ना कि पैरल एंड द थर्ड वन इज जियोस्ट्रोफिक विंड्स आर दी इन फॉर्मड इन द अपर एटमोसफेयर ये क्या है कोरिलिस फोर्स होने के कारण ही अपर लेयर में फ्रिक्शन फोर्स तो रहता नहीं है फ्रिक्शन हम अर्थ के पास पास में जो म्यू बोलते हैं फ्रिक्शन कॉफिशेंट वो हम अर्थ के लेयर पे ही फील करते हैं ऊपर नहीं रहता है तो कोरिलिस फोर्स एंड द विंडोज फॉर द पेर आइसोबार्स मतलब जो ऊपरी लेयर में कोरिलिस फोर्स के ही कारण ही आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहता है तो उसी के कारण आपकी जो है जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या हैं रहती हैं अगर वो कॉरलेस फोर्स नहीं रहेंगे तो आपको जियोस्ट्रोफिक विंड्स नहीं रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जियोस्ट्रोफिक को हिंदी में बोलते हैं भूवी अक्षेपी पवनों थर्टी नाइन क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है

विच ऑफ़ गिवंस अबो आर करेक्ट दी देगी स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है आप अपना आंसर मांग कीजिए ए फर्स्ट एंड सेकेंड बी है थर्ड और सी है सेकेंड एंड थर्ड डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सी आंसर इसका करेक्ट है ये केस है 2012 का जब एनरिका लेक्सी केस द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इट्स जजमेंट हैज सेट दू इटालन मरीन्स मतलब इटली के दो क्या है मरीन कमांडो बोल लो उनको तो वो थे उन्होंने क्या किया इंडियन फिशरमैन को गोली मार दी थी सो डैट कैन नॉट बी ट्राइड इन द इंडियन कोर्ट उन्होंने क्योंकि वो बोले कि ये हमारे सी की टेरिटरी में थे हमने सोचा ये हमारे दुश्मन हैं राइवलरी हैं या ट्रांसग्रेसर हैं आतंकवादी हैं तो उन्होंने शूट कर दिया तो हम उनको ट्रायल नहीं कर सके अपने देश में क्योंकि वो इटली के मरीन कमांडो थे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट पी सी ए वास दी एस्टैब्लिश इन एट्टीन नाइनटी नाइन अठारह सौ निन्यानवे मतलब उन्नीस सौ से एक साल पहले आप इसको याद रख सकते हो कि फर्स्ट हेग पीस हेग जगह है वहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी आदमी इकट्ठे हुए थे पीस के लिए शांति के लिए अंडर आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन ऑफ द हेग कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशल डिस्प्यूट मतलब जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है अंतर्राष्ट्रीय मामले उनको पेसीफाई करने के लिए अठारह सौ निन्यानवे में हेग मेक कन्वेंशन हुआ था हाउ एयर द साइनिंग एंड रेटिफाइंग और असीडिंग टू दिन यून क्लोज ए स्टेट मेट मेक ए डिक्लेरेशन चूजिंग वन और मोर द फॉलोइंग मीन्स फॉर सेटलिंग सच डिस्प्यूट मान लो जिसने ये अठारह सौ निन्यानवे का कन्वेंशन साइन कर रखा है तो वो इनमें से एक चीज़ डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए अडॉप्ट कर सकता है क्या है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज हेमबर्ग जर्मनी में रहता है ये एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरनेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन दैग नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में सुना होगा आपने क्योंकि कुलभूषण यादव का जो केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एंड द थर्ड वन इज एडो कार्बिट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद दतलब जो विवाद कोई टेम्प्रेरी बेस पे सोल्व करते हैं यूएन क्लोज के एक सेक्शन में दिया गया है या स्पेशल एट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल है जो वो भी यूएन क्लोज के एक सेक्शन में दिया गया है इनमें से कोई भी चीज़ आप एडोप्ट कर सकते हैं और अपना डिस्प्यूट रिजोल्व कर सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बाइंडिंग रहती है पार्टी पे जो यह डिसीजन रहेगा तो इंडिया मेंबर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो यहाँ पे डिसीजन आ गया उनमें क्या है अपीलेट मैकेनिज्म नहीं होता आगे अपील नहीं की जा सकती वहीं पे उसका रिजोल्यूशन हो जाता है और जो ये डिसीजन लेती हैं थोरिटी है, वही बाइंडिंग रहता है फोर्टीथ क्वेश्चन देखते हैं विद रिगार्ड्स टू द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जैसे वुमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं जीएनपी जीडीपी जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वैसे ही जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है तो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इट्स पिलर पिलर कौन कौन से किन बेसों पर देखा जाता है फर्स्ट बेस फर्स्ट स्टेटमेंट इज सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमें रिसोर्सेज मिले हुए हैं हमारे जो आगे वन से जाएंगे हमारे लिए लिए जाएगी उनको भी वैसे के वैसे हम एनवायरमेंट या हमारा इकोलॉजी सिस्टम है जो भी वैसे के वैसे देखे जाएंगे उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल और जो समाज का इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो वो एंड द सेकेंड वन इज गुड गवर्नेंस एंड द थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द फोर्थ वन इज़ प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ द कल्चर तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि जो ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस है ये हमारे देश में अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बाकी ये भूटान में होता है ए है सेकेंड एंड फोर्थ बी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका डी आंसर करेक्ट है ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस क्या है मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एंड मोरल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री भूटान इंट्रोड्यूसिंग भूटान ने 1970 में ये इंप्लीमेंट किया था क्योंकि भूटान क्या है अपनी जो वहाँ पे उसका एन्वायरमेंट है या जो उसका पेड़ पौधे हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख रखा है कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना है अगर कोई है बंदा उनको नुकसान पहुँचाता है तो उसके लिए हार्मफुल रहेगा पर्नेसियस रहेगा अदरवाइज ही विल बी प्रोसिक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट और यही है कि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कोई हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है तो उसमें कोई जीडीपी क्या है हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को काउंट करते हैं पर भूटान में ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को काउंट किया जाता है इसमें क्या दिया गया है कि सस्टेनेबल होना चाहिए जो हम आज यूज़ कर रहे हैं यूटिलाइज उसको सारे को नहीं करें उसको हमें लीनियज को भी देना है हमारे वंशज को भी देना तो है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एंड दट सेकंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड थर्ड वन इज प्रीविजन एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चर है अपने कल्चर को भी प्रमोट करना है और गुड गवर्नेंस और ये हमारा गुड गवर्नेंस का भी पार्ट है ये हमारे देश में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गुड गवर्नेंस को देखे कि हमारी सरकार अच्छे चल रही है आजकल एक रूल आता है कि मैक्म मिनिमम गवर्नेंस एंड द मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अलग बात है बाकी उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया ये बहुत कम सुनने में आता है और कल्चर के बारे में यहाँ पे कम बात होती है या इन्वायरमेंटल के बारे में कम बात होती है बट एक भूटान छोटा सा देश है कि जो ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करता है कि आदमी उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया और कितना हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा रहे हैं तो हमें भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने कंट्री में तभी ज़्यादा अच्छा सा रह पाएंगे हम इस दुनिया में क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सोशल एंड मोरल और हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट होना जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चन एंड प्लीज फ्रेंड्स शेयर अमंग योर फ्रेंड्स दिस वीडियोज कीप लर्निंग बाय